प्रतिशत समाजवादी पार्टी की सामाजिक रथ यात्रा, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का तीसरा चरण शाहजहांपुर से निकला है। हमारे साथ स्पोक पर्सन अरविंद जी हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा किन मुद्दों को लेकर निकली है और प्रमुखता किस तरह के कार्य को लेकर निकली है और 22 के चुनाव में क्या वादे क्या दावे करेंगे जनता से और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, परिवर्तन रथ यात्रा जो सामाजिक परिवर्तन रथ है किस तरह का असर डालेगी 22 के चुनाव में? देखिए, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है, जो लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, कि चुनाव के पहले ही माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी किंग मेकर की भूमिका में हैं। सब लोग ये कही बात कह रहे हैं कि जिधर श्री शिवपाल जी जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। तो इसका तो आशय यही हुआ ना कि चुनाव के पहले किंग मेकर तय हो जाना है। दूसरी, जो आज सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शाहजहांपुर से बरेली, बरेली से रामपुर मुरादाबाद होते हुए और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की आवाज़ रथ यात्रा के माध्यम से उठाई जाती है, नौजवानों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, जो पीड़ित प्रताड़ित वंचित शोषित लोग हैं पूरे प्रदेश में, जिस तरीके से इस उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, इन सारी मुद्दों को लेकर माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आज शाहजहांपुर से तीसरे चरण की शुरुआत है। पहली रात आज बरेली में ठहराव है और जिस तरीके से लोगों का हुजूम आप देखे होंगे महोबा से लेके इटावा मैनपुरी या आगरा मथुरा में भी, कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आशीर्वाद दिया और रथ यात्रा की पूरी मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को 2022 के चुनाव में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा लोगों को न्याय मिलेगा। लोग कहीं ना कहीं सरकार से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और जितनी उपेक्षा हुई है इस सरकार से, उन सारी अपेक्षाओं पे हम लोग खड़े उतरेंगे और कहीं ना कहीं पूरी आवाम की लड़ाई माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं। अरविंद जी, साफ तौर पर कई पार्टियों ने बिजली 300 यूनिट माफ करने के वादे और दावे किए, तो क्या है अपने आपके मैनिफेस्टो में क्या रहेगा यूपी की जनता के? देखिए, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जब पहली बार बिजली पे बोले और जब ऊर्जा मंत्री थे, तो सबको पता है कि गरीब परिवार को एक बल्ब और एक पंखा की कोई चार्ज नहीं लिया जाता था। आज माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का ये मानना है कि जो भी पर्सनल लाइन होती है किसानों की, वो मुफ्त में रहेगी। किसानों की बिजली सिंचाई के लिए मुफ्त में रहेगा, जल मुफ्त में रहेगा। और 300 यूनिट की तो बात पहले माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने शुरुआत की उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अन्य दलों ने भी करने लगे। तो अच्छी बात है कि एक सबकी सोच सामने आ रही है। और जहां तक सवाल है, देखिए बिजली का, तो ये सत्य है कि ऊर्जा मंत्री रहते हुए माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने गरीब आवासीय परिवार को एक पंखा एक बल्ब फ्री किया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। तो सर क्या लगता है, मौजूदा सरकार लड़कियों के लिए बड़ा कदम उठा रही है, महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठा रही है, पढ़ाई के लिए लैपटॉप जैसे वितरण योजनाएं चला रही है, क्या लगता है क्या करने वाले आप? इन्होंने एक भी लैपटॉप नहीं बांटा जी। इन्होंने शिक्षा के स्तर को इतना गिरा दिया है, आज कोई भी छात्रों से आप पूछिएगा वो हर जगह परेशान है। वो तो कह रहा है कि हम पढ़ के करेंगे क्या, जब रोजगार ही नहीं मिल रहा है। पढ़ाई तो लोग इसीलिए करते हैं ना कि रोजगार होगा, जागरूकता आएगी, तमाम चीजें होगी। लेकिन आज फीस कितनी बढ़ा दी इस गवर्नमेंट में, आप देखिए कि लॉकडाउन रहते हुए सभी प्राइवेट संस्थानों ने किस तरीके से मनमानी रवैये से फीस वसूली की है, चाहे वो राजधानी में हो या वो पूरे उत्तर प्रदेश में हो, सबने देखा है। दूसरी बात, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बार बार कहते हैं कि हम पूरे ग्रेजुएशन अगर कोई भी बच्चा पास करता है, जैसे वो डिग्री लाएगा उसको 5 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे रोजगार के लिए। तो ये सरकार अगर एक ऐसा की होती तो मुझे लगता है कि आज स्वरोजगार पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ा होता, लेकिन कहीं नहीं बढ़ा। अरविंद जी क्या लगता है, अभी हाल ही में लखनऊ में कई उपरगामी जो पुल हैं उनका निर्माण किया गया है, पीडब्ल्यूडी में
लगातार शिवपाल जी रहे, मंत्री रहे, तो क्या लगता है काफी कम समय में मौजूदा सरकार ने पुलों का निर्माण करा लिया, ये उपलब्धि है? नहीं, देखिए सारी पुले माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की दी हुई है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जिस नदी के पुल से आप गुजरेंगे वहां जो शिलापट लगी हुई है उस ऋषिपाल सिंह यादव जी के नाम से लगी हुई है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ये बता दें कि 4.5 सालों में अगर इन्होंने राजधानी में 4 नई ओवरब्रिज बनाए हों, आप जिस ओवरब्रिज से लखनऊ के गुजरिए उसकी शिलापट एक बार आप पढ़ लीजिए, देखिएगा कि उस पर श्री शिवपाल सिंह यादव जी का नाम लिखा हुआ है। गोमती नदी पे जितने पुल बने हैं या जितनी ओवरब्रिज चाहे केंट की हो या आप उधर निषादगंज वाली ले लीजिए, जितनी आप देखेंगे हर पुलों पे शिलापट पे श्री शिवपाल सिंह यादव जी का नाम है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सड़कें माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बनाया था, अगर इस सड़कों को केवल ये लोग संरक्षित कर लिए होते तो नई सड़कों बनाने की इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अरविंद जी क्या कहना चाहेंगे, आखिरी सवाल है, किस ताले में लगे दिए जाते? देखिए ये समाजवादियों के सोच के अनुरूप, समाजवादियों में आस्था रखने वाले लोगों के अनुरूप और वरिष्ठ समाजवादियों के सोच के अनुसार ही माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हर निर्णय और कदम उठाते हैं। जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता, जो सम्मानित समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो जिस अनुरूप कहेंगे, सबकी एक इच्छा है कि भाजपा सरकार हटे, समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पे आए, तो सबकी विचारों का सम्मान करते हुए माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी को दी है, अन्यथा तमाम विकल्प खुल जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रवक्ता अरविंद जी, जिन्होंने साफ किया कि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आखिर किन मुद्दों को लेकर निकली है और किन एजेंडों को लेकर निकली है। अब देखने की बात है कि 22 के चुनाव में यूपी की जनता का साथ किस तरह से मिलेगा। सहयोगी ब्रजेश के साथ मैं